नमस्कार दोस्तों, जीई फॉर सीई में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। कंपेयर दीज टू सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है राजू स्लैप्स मोहन, मोहन इज स्लैप्ड बाय राजू। दोस्तों, इन दोनों सेंटेंसेस के वर्ब्स को देखिए। पहले सेंटेंस के वर्ब स्लैप्स का रूप यह शो करता है कि राजू, जो कि हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस का, वो किसी कार्य को करता है। ठीक है दोस्तों, राजू द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग। राजू किसी काम को करता है। राजू थप्पड़ मारता है किसको? मोहन को। तो थप्पड़ मारने वाला कौन है? राजू है, और जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो अगर कोई वर्ब ये बताए कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो किसी कार्य को करता है, तो हमारा जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वर्ब स्लैप्स इज सेट टू बी इन एक्टिव वॉइस। चलिए दोस्तों, सेकेंड सेंटेंस पे चलते हैं। सेकेंड सेंटेंस का वर्ब है स्लैप्ड। तो सेकेंड सेंटेंस में हमारा जो स्लैप्ड वर्ब का जो फॉर्म है, रूप है, वो हमें ये शो करता है कि मोहन, जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है, उस पर किसी कार्य को किया जाता है। समथिंग इज डन टू मोहन, जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट पर कोई कार्य किया जाए, तो जो हमारा सेंटेंस होता है वो पैसिव वॉइस में होता है। तो मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट किसी कार्य को करे या एक्ट करे, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है, और अगर सब्जेक्ट के ऊपर किसी कार्य को किया जाए, तो वह सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि एक्टिव वॉइस के वर्ब का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में उसका सब्जेक्ट बन जाता है, तो दोस्तों इससे एक बहुत ही जबरदस्त रूल निकल के सामने आता है कि केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ में ही हम पैसिव वॉइस का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब बिना ऑब्जेक्ट के हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेबर इंस्पेक्टर 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसे आप ध्यान रखिएगा जब। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम कब एक्टिव वॉइस का यूज़ करते हैं, कब पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं, ये हमें ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों, जब भी डूअर या एजेंट, जो कि काम को करता है, वो प्रोमिनेंट हो, वो मेन हो, मुख्य हो, तो एक्टिव वॉइस का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमारा ऑब्जेक्ट प्रोमिनेंट हो, हमारा काम महत्वपूर्ण हो, तो वहाँ पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। और हमें जब ये नहीं मालूम हो कि काम को करने वाले कौन हैं, तो हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई पेन हैज़ बीन स्टोलन। मेरा पेन चोरी हो गया है। किसने चुराया है? आई डोंट नो। समबडी हैज़ स्टोलन माई पेन। अगला सेंटेंस, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा है, आगे बढ़ते हैं। रोड इज बीइंग मेड। सड़क बन रही है। सड़क को बनाने वाले मजदूर कौन हैं, इनकी जानकारी होना हमें आवश्यक नहीं है, इसलिए इस सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है। रोड इज बीइंग मेड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। होली इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में होली मनाई जाती है। तो दोस्तों, होली भारत में लोग मनाते हैं, तो लोगों के बारे में जानकारी होना, उनके नाम के बारे में जानकारी होना इतना आवश्यक नहीं है। ये आवश्यक है, ये महत्वपूर्ण है कि भारत में होली मनाई जाती है, इसलिए इस सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में यूज़ किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, रूल देख लेते हैं, किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसका सब्जेक्टिव केस बना करके ऑब्जेक्ट को, उसके बाद टाइम वर्ड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हमारा। सिंपल प्रेजेंट। ठीक है दोस्तों, एक्टिव वॉइस में हेल्प हेल्प्स रहेगा,
है ना। फॉर एग्जाम्पल राजू हेल्प्स मोहन, है ना दोस्तों। तो इसका पैसिव वॉइस कैसा बनेगा, मोहन इज हेल्प्ड बाई राजू। टाइम वर्ड क्या है इसमें, एम इज आर, ये क्या है हमारे टाइम वर्ड है, ठीक है दोस्तों। एम इज आर हमारे टाइम वर्ड है। और कंटिन्यूअस के केस में, चाहे प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो या पास्ट का कंटिन्यूअस हो, तो प्रेजेंट का टाइम वर्ड जो रहेगा वो एम इज आर रहेगा, है ना। पास्ट का टाइम वर्ड क्या रहेगा, वॉज वर रहेगा। लेकिन कंटिन्यूअस है, चूंकि ये कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस के साथ में बीइंग का प्रयोग करना अनिवार्य है टाइम वर्ड के बाद। तो एम इज आर बीइंग हेल्प्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा आएगा, जो मेन वर्ब रहेगा वो हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट के केस में आपको हैज़ हैव के बाद में बीन लगाना अनिवार्य है, हैव हैज़ के बाद में आपको बीन लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिंपल पास्ट में वॉज वर लगेगा, पैसिव वॉइस के केस में। पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस केस में जैसा कि मैंने बताया आपको कि वॉज वर के बाद में बीइंग लगाना अनिवार्य है। सिंपली परफेक्ट के केस में हैड के बाद में बीन लगाना अनिवार्य है। वैसे ही सिंपल फ्यूचर के केस में विल शैल के बाद में आप बी लगा दीजिए, आपका पैसिव फॉर्म हो जाएगा। और कैन कूड मे माइट, इस प्रकार के जो भी हमारे मॉडल्स होते हैं उनका पैसिव बनाने के लिए उन मॉडल्स के बाद में आप बी लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके आप पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, और कमेंट में आप फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।